हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इतनी खुशी कभी मुझे हुई नहीं थी। फाइनली दिस इज बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है इन JTAT 16 वाले के साथ, मैं कहना नहीं चाहूंगा कि JTAT 16 वाले के साथ आपको लड़ना था, आपको सरकार के खिलाफ लड़ना था, लेकिन ये JTAT 16 वाले ये बिना पूछ के बंदर हैं जो कि इधर उधर कूद रहे थे। ये बार बार बोल रहे थे कि हम लोगों को डायरेक्ट भर्ती दो, इसलिए हम लोग इनके खिलाफ थे। डायरेक्ट भर्ती किस बात की भाई, 2012 और 2023 में अंतर होता है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, पहली बात। दूसरी बात कि JTAT 16 के बाद से कभी JTAT कराया नहीं गया है, तो ऐसे में सिर्फ आप चंद लोगों के फायदे के लिए लाखों लोगों की श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती थी, इसलिए सरकार को मानना पड़ा, झुकना पड़ा। एक और बात मैं बता देता हूं आपको, सरकार को मैं एक पैसे का भी क्रेडिट नहीं दूंगा, बस सरकार ने हट धर्मिता नहीं निभाई है, इसके लिए मैं थैंक यू सो मच यहाँ पे थंबनेल में लिखा है मैंने हेमंत सोरेन को। कोर्ट के ऑर्डर से ये भर्ती में सभी लोगों को शामिल किया जा रहा है, इसलिए जो है हाई कोर्ट के जज को, वो बोलते हैं ना कि हमारे देश में जो पिलर है ना, चार पिलर, उसमें से एक न्यायपालिका भी है, तो न्यायपालिका को धन्यवाद, जज को धन्यवाद, हमारे देश की व्यवस्था को धन्यवाद कि हम लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धन्यवाद, उनके वजह से जो है ये चीज़ें हो पाई है। संविधान में अगर सिर्फ और सिर्फ सरकार को अगर शक्ति दे दी जाती तो हम लोग आज जो है सड़क पर, वही सरकार ने जो कहा ना, बकरी पालन करो, मुर्गी पालन करो, वो करना पड़ता हम लोगों को। खैर, जो भी बातें हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, कितने लोग नए सिलेबस को जानना चाहते हैं, क्लास 1 से 5 को और 6 से 8 को। तो जो लोग भी सिलेबस की वीडियो चाहते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है 1 से 5 और 6 से 8 के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं सिलेबस के ऊपर ला दूंगा, एक एक टॉपिक को बताऊंगा उसमें, ताकि आप जो है किसी भी तरह के गलतफहमी में ना रहो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, मैं आपको PDF भी दे दूंगा, ताकि आप जो है इन 16 वाले को जो है उनकी असली औकात दिखा सको। अब बोलोगे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे रूड नहीं हो रहा हूँ, नहीं रूड हो रहा हूँ। ये लोग बार बार जो है मुफ्त की खैरात की जॉब मांग रहे थे, भिखमंगे जैसे भीख मांग रहे थे कि जॉब दे दो, जॉब दे दो। मैं मानता हूँ आपने 8 साल इंतजार किया, लेकिन न्यायपालिका में कहा जाता है कि किसी के साथ गलत हुआ, अगर आपका एक आंख जो है नहीं रहे तो सबके आंख को जो है फोड़ा जाना सही नहीं होता है। An eye for eye makes all the world blind, वही वाली बात है कि अगर किसी का एक आंख फूट गया है तो सभी का आंख फोड़ना जरूरी नहीं है, बराबरी करने के लिए उसे जो है थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए तो देश में, हमारे देश में रिजर्वेशन की सिस्टम है, जो पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में खैर इस मामले में हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और क्या क्या बातें हुई है वो क्रिस्टल क्लियर आपको मैं बताऊंगा। जिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आप लोग जिन लोगों के पास जो है OBC सर्टिफिकेट नहीं है या फिर EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, SC ST का सर्टिफिकेट जाति वाला जो है नहीं है, फटाफट जाकर बनवा लो। पहला काम आपको सुबह सुबह जो है जाकर प्रज्ञा केंद्र में जाकर लग जाना है लाइन में, सबसे पहले ये काम करवा लो आप। जो काम की बात है वही करूंगा। दूसरी बात, जिनका रेसिडेंशियल नहीं है वो जाकर रेसिडेंशियल बनाएं। याद रखिए 2016 से पहले का रेसिडेंशियल नहीं चलेगा, यानी जो ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट है वही आपके पास होना चाहिए। तो प्लीज़ प्रज्ञा केंद्र पर जाइए और धावा बोलिए और फटाफट सारे रेसिडेंशियल वाला काम जो है ये झटपट निपटा दीजिए। अब 2-3 बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाऊंगा, ये नहीं है, ये वाला है कटिंग, ठीक है। वेट ए मिनट, मैं आपको कटिंग दिखा देता हूँ। देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग के मामले में भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो कटिंग में बातें कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है स्पष्ट रूप से सारी बातें कह दी गई है, लेकिन मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि किसी भी तरह से जो है गलतफहमी में आपको रहना नहीं है, ठीक है ना, और तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आपको फ्री में कोई जॉब दिए जा रहा है और आप जो है जॉब लेने के लिए जो है यहाँ पे जॉब आपको फ्री में मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कृपया करके इस तरह के गलतफहमी में ना रहें। वेट ए मिनट, मैं थोड़ा सा जो है ये कर लेता हूँ सेटअप, ताकि आपको मैं न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो दिखा सकूँ आपके सामने, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखा दूंगा यहाँ पे, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ कि क्या बातें हुई है। ये देखो, ये फाइनली आ चुका है। अब इस न्यूज़पेपर वाले कटिंग को अगर आप देखोगे तो आपको ये देखो, ये दिखेगा कुछ ऐसा। आपने न्यूज़पेपर में, प्रभात खबर में देख लिया होगा, रांची वाले एडिशन में ये छपा हुआ है। क्या बोला गया है, JTAT नियमावली में फिर से होगा बदलाव। खैर, अब हम लोग JTAT वाले नियमावली में जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। इस खबर को हम लोग कवर करें, उससे पहले 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। जिन लोगों ने JTAT 2012 और 16 पास किया है वो अदर स्टेट के भी हैं, तो भी उनका काम यहाँ पे चल जाएगा।
क्लियर हो गई बात है, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने सीटेट पास किया है अदर स्टेट वाले, मैं एक वीडियो भी एक्सपोज करूंगा, ये टेक्स्ट बुक वाले अध्ययन मंत्र वाले जो अपना कोर्स बेचने के लिए जो है गलत गलत न्यूज फैला रहे हैं, और आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी भी मांगूंगा, मैंने हड़बड़ी में व्यूज पाने के लिए मैंने भी वीडियो बना दी और कहा कि सारे स्टेट वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सीटेट जिन लोगों ने पास किया है वो जो झारखंड के रेसिडेंशियल जिनके पास है वही लोग इस फॉर्म को सीटेट वाले फॉर्म को भर पाएंगे। ये बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, किसी भी गलत फहमी में आप ना रहें। पहली बात, दो बातें मैंने आपको बता दी। अब देखिए नियमावली में बदलाव होगा और सीटेट अपेयरिंग वाले के लिए भी मैं बता दूं, जो लोग सीटेट देने वाले हैं अगर ये बहाली वगैरह जो है, मुझे नहीं लगता कि ये जनवरी से आगे जाएगा, एक दो दिनों में जेएसएससी के वेबसाइट पे जो है खबर आ जाएगी और एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, तो ऐसे में सीटेट अपीयरिंग वाले को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। मेरे अनुसार मैं दुआ करता हूं कि आपका भी जो है इसमें शामिल, आपको जो है शामिल कर लिया जाए। जो लोग भी सीटेट अपीयरिंग वाले हैं लोग नीचे कमेंट करके सीटेट अपीयरिंग लिखिएगा। खैर देखिए मैं आपको बीटेड ट्रूथ बता रहा हूँ, चांसेस आपके बिल्कुल 1% हैं, थिन है, कभी भी बोलते हैं ना नेवर से नेवर वाली बातें हैं, कभी मैं नेवर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन चांसेस बहुत ही थिन है, आपका जो है यहाँ पे शामिल होने की संभावना कम है। 24,000 वाले सीट में जो है अगले साल भर्ती आएगी, कब आएगी आपको भी पता है, ये भर्ती हेमंत सोरेन के कार्यकाल में नहीं आने वाली है, ये सरकार जाएगी फिर अगर हेमंत सोरेन या फिर जो भी रिपीट होता है या फिर कोई और मुख्यमंत्री बनते हैं उनके कार्यकाल में 24,000 की भर्ती आएगी। क्लियर हो गई बातें। अब देख लो ये खबर कहाँ से आई है, कहाँ से, देखो ये मैंने जो है प्रभात खबर की न्यूज जो है कटिंग लगाई है, यहाँ से आप देख लो, स्कूली साक्षरता विभाग प्रस्ताव तैयार कर चुका है, शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में कार्मिक विभाग को जो है भेजा जाएगा, सरकार स्तर पर प्रक्रिया पूरे होने के बाद जो है जीएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेजा जाएगा, उसके बाद आयोग के द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि 26,000 में आप भी शामिल होगे, और इसका जो नियुक्ति है वो मार्च से पूरी पूरी होने की संभावना है, यानी कि आपका पढ़ने के लिए भी जो है 3 महीने का वक्त मिलेगा। बाय द वे जेटेट के पुराने पेपर को देखिए, 2-3 पेपर को आपको कर लेना चाहिए, पहले तो जेटेट जो 12 और 16 में हुआ है पेपर वो आप पढ़ लो, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है, ये जो नया जो पारा शिक्षक आकलन परीक्षा हुआ है, पारा टीचर का जो आकलन परीक्षा है इसे भी आपको देख लेना है। 6-8 में इन्होंने इंटर लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, आप पीछे रह जाओगे तैयारी में, इसलिए पूरे सिलेबस को जानना जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। तो इन सारे प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर को आप मुझसे परचेस कर सकते हो, हाँ मैं दुकान ही लगा रहा हूँ, जिनको जरूरत है वो लेंगे, जिनको जरूरत नहीं है वो नहीं लेंगे, मैं क्लियर क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ, जिनको जरूरत है वही लें, जिनको जरूरत नहीं है वो उन्हें लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, जिनको जरूरत होगी जरूरत के अनुसार वो परचेस करें, जिनको जरूरत नहीं है वो लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर पुराने पैटर्न और नए पैटर्न को कंपैरिजन करके आगे बढ़ना चाहते हो, जॉब लेना चाहते हो, तो वो पेपर ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, इसे जरूर जो है आगे बढ़ाएं, सेंड करें, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, वो अवेयर हो सके। दिस इज द राइट टाइम टू शेयर दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।